हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 12th में इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? मतलब क्या है बच्चों, इससे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है ना? अब कैपेसिटर पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक यूज होता है, ये सभी चीज़ें बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर कि बच्चों, जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसका कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखेंगे, सभी चीजें आराम आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं आगे। बच्चों, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कोई कैपेसिटर है। क्या है ये? हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है? ये हमारे पास बच्चों कोई कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट पर चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज है, और सेकंड प्लेट पर प्यारे बच्चों निगेटिव चार्ज है। और इस प्लेट की बच्चों, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और यहां प्लेट की चार्ज डेंसिटी बच्चों माइनस सिग्मा, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है, ये प्लस सिग्मा और ये अपने पास माइनस सिग्मा, ठीक? अब बच्चों, ये जो दोनों प्लेट हैं इनका सरफेस एरिया कितना है? कैपिटल ए, ठीक है? अभी इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, ठीक है ना? और फ्री स्पेस की जो बच्चों परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है? एप्साइलन नॉट, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, मान लीजिए कोई डाइइलेक्ट्रिक है ये, ठीक है ना? ये मान लीजिए कोई डाइइलेक्ट्रिक है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? कैपिटल के। क्या? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? कैपिटल के। अब बच्चों, मैं क्या करता हूं, मैंने यहां से प्लेट उठाई डाइइलेक्ट्रिक की, ठीक है ना? यहां से उठाई और जैसे ही इसके पास लेकर के जाऊंगा, इसके अंदर रखेंगे इसको हम। बच्चों, जैसे ही मैं इसके पास इसको लेके जाऊंगा ना, ये अपने आप खींच लेगा इसे, यहां लेकर के आया बस, और ये टोटल एकदम से नीचे की ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों करता है समझते हैं। मान लीजिए यहां से इसके अंदर लेके आए तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है ना? अब होता क्या है बच्चों, हमने पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा हो तो हमें पता है, यहां देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहां निगेटिव चार्ज है, इसके कारण एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही है, और डायरेक्ट हम क्या लेकर के आए, डाइलेक्ट्रिक को इसके फील्ड में लेकर के आ रहे हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में लेकर के आ रहे हैं। तो जैसे ही इसको इसके फील्ड में लेकर के आएंगे, यहां क्या होगा, इसमें पोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, और निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना? अब देखो, यहां पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है ना, और यहां भी पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये ऑटोमेटिक इसको अपने अंदर खींच लेती है। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब, हल्का सा इसके पास ले गया तो छोड़ दिए, एकदम नीचे अपने आप सेट हो जाती है प्लेट। चलिए अब बच्चों, हमारे पास जो जब कैपेसिटर था, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, तब खाली इन दो प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, वो मैं मान रहा हूं ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कैपेसिटर प्लेट्स,
व्हेन नो डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन देम। ठीक है, ये मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं ई नोट। ठीक है जी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ही होगा। ठीक, अब बच्चों हमने हमें पता है डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी। ये कितना है ई इन, या बच्चों इसको ये मीडियम है ना। देखो जब तक यहां पर हमने डाइइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो यहां फ्री स्पेस था, लेकिन जब इसके अंदर हमने डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया इसका क्या मतलब है कि इस बार यहां कोई दूसरा मीडियम आ गया फ्री स्पेस की जगह। ठीक है ना, तो इसको हम मीडियम मान लेते हैं। अगर मीडियम मान लेते हैं बच्चों तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां भी हम क्या करेंगे, नीचे सुफिक्स में एम लगा देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास ई एम। ठीक, अब बच्चों एक बात देखो, जो हमारे पास प्लेट थी उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ये है ई नोट। अब इसके अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है ई एम, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे से अपोजिट है। तो बच्चों नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले ये लिख लेते हैं हम, पहले तो नेट अभी लिख लेंगे, पहले ई एम बता देते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक। बच्चों जब भी इस तरह से ये जो, अच्छा आप एक बात देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है क्रिएट हो रहा है, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी से हो रहा है या किसी दूसरे चार्ज के कारण की प्रॉपर्टी से क्रिएट हो रहा है, किसी दूसरे के कारण क्रिएट हो रहा है ना। और हमेशा याद रखिए, चाहे करंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर किसी दूसरे इफेक्ट के कारण क्रिएट होगी तो वहां हम एक वर्ड यूज करेंगे इंड्यूस्ड। ठीक है ना, तो यहां क्रिएट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां देखो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है जी, इन जो हमारे पास क्या है ई एम है। अब अगर बच्चों हम ई नेट निकालेंगे, ई नेट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ई नोट माइनस ई एम। क्लियर है, बिल्कुल होगा। अब बच्चों हमें पता है, वी नो दैट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर आपने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा हो कल बच्चों, तो वो के किसके इक्वल होता है हमें पता है, ई नोट अपॉन ई एम। पहले भी पढ़ा था हमने, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब टॉपिक पढ़ रहे थे ना कूलम्स लॉ, वहां भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था। ये एप्सिलॉन एम अपॉन इसके भी इक्वल होता है ये, और E नोट अपॉन ई एम के भी इक्वल होता है। तो अभी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, अभी हमें बच्चों सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम किसका यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे। यहां से ई एम की वैल्यू अगर बच्चों हम निकालें तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी प्यारे बच्चों ई नोट अपॉन के। अब बच्चों ये जो हमारे पास ई एम की वैल्यू आई है, इसको उठाकर वापस ऊपर वाले इक्वेशन में रखो, क्या बनेगा, ये बन जाएगा E net will be equal to E not minus E not upon K। ये बन गया देखो, ठीक है ना। अब मैं ऊपर से इसको साफ करता हूं, तब तक आप सब ये चीज लिख लीजिए। ये बना अपने पास। अब बच्चों एक चीज देखो आप, यहां हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था ई नोट डाइइलेक्ट्रिक डालने से पहले,
अब हमने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया, और जो क्या है हमारे पास पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से भी कम वैल्यू आई है। देखो देखो, इसमें से ये माइनस हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, यहां यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। बात समझ रहे हो? हेयर हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एज वेल एज वी इंसर्ट टू डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर। क्लियर है? अब हमें पता है प्यारे बच्चों, जो V होता है हमारा, V होता है E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इससे पहले भी हमने इसका जिक्र किया था। अब देखो यहां से, इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड हेंस सिंस E decreases, it means V will also decrease. अगर E decrease करेगा तो V है automatically decrease करेगा वो, तो क्योंकि V क्या है हमारे पास, electric field के directly proportional है। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, हमें पता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है प्यारे बच्चों Q अपॉन V। यहां से क्या रिजल्ट निकला, इट्स मीन C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब अगर V बढ़ेगा तो C घटेगा, C घटेगा तो V बढ़ेगा। और यहां क्या हो रहा है, V की वैल्यू पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ है डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से। सिंस V decreases and hence C increases. ओहो, कितनी अच्छी प्रॉपर्टी निकल कर क्या है, कैपेसिटी बढ़ गई इसकी। बात समझ में आ रही है, C की वैल्यू इंक्रीज कर गई। जैसे ही हमने इसके अंदर क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही बच्चों कैपेसिटी बढ़ गई। मतलब कैपेसिटी का क्या मतलब है, मतलब इसके अंदर चार्ज मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोर हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो चार्ज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही थी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसके तो बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ा, इसने तो कैपेसिटी बढ़ा दी कैपेसिटर की। तो इसीलिए बच्चों डाइलेक्ट्रिक को क्या किया जाता है, हमें जो कैपेसिटर होता है कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो कैपेसिटर है उसकी हम कैपेसिटी को बढ़ा सके। और भी बच्चों इसके यूजेस हैं। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, नेगेटिव प्लेट है, ठीक। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो ये दोनों प्लेट आपस में चिपक नहीं जाएंगी क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट नहीं कर लेगा क्या। बात समझ रहे हो, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट कर लेगी, और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक चिपक जाएंगे। लेकिन जब अगर इनके बीच में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक है तो इन दोनों को स्ट्रिकिंग करने से रोक लेती है। इट मींस नेक्स्ट पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक प्रिवेंट टू स्ट्रिकिंग बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना, तो ये भी इसकी एक अच्छी जो है अपने पास
एडवांटेज हो गई, इसने कैपेसिटर तो बढ़ा ही दिया, कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, ठीक है ना, इनको एक दूसरे को चिपकने से भी रोक लिया, ठीक है ना। तो बच्चों ये इफेक्ट होता है डाइलेक्ट्रिक का जब हम कैपेसिटर में उसको इंसर्ट करते हैं। तो वो उसकी क्या मेन चीज क्या है जो हमें पढ़ने थी, इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों कई बार जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, मैं यहाँ एक से दो क्वेश्चन कराऊंगा, उन दो क्वेश्चन के अंदर ही वो सारे के सारे जो है, चाहे डेरिवेशन हो चाहे क्वेश्चन हो, मोस्टली आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था कि इफेक्ट क्या होता है जब हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, फाइंड आउट कैपेसिटेंस फॉर ए गिवन सिस्टम ऑफ कैपेसिटर, ठीक है जी। अब क्या करना है बच्चों, यहां मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये जगह काफी बच जाएगी, ठीक है। यहां एक कैपेसिटर है बच्चों जिसकी प्लेट क्या है, यहां पॉजिटिव प्लेट है, कैपेसिटर है जिसकी ये कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट है, और यहां क्या है, निगेटिव प्लेट है। और अभी इसके अंदर कोई भी डायलैक्ट्रिक नहीं है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण बच्चों वो कितना है, E नोट, ठीक है, कितना है, E नोट है। और इन प्लेट के बीच की जो बच्चों डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, ठीक। अब हमने क्या किया, दो डायलैक्ट्रिक लिए, एक तो ये, ठीक है, जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, K1, ठीक है जी, और इसकी थिकनेस बच्चों कितनी है, T1। एक दूसरी ओर दूसरा और डाइलेक्ट्रिक लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2, और बच्चों जो थिकनेस है उसकी वो है T2। इतना दिया हुआ हमारे पास, ये दोनों डाइलेक्ट्रिक है, ये कैपेसिटर है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताओ कितनी होगी। चलो इसको जो है स्टेप से फॉलो करते हैं, जैसे जो मैं स्टेप फॉलो करूंगा सेम ऐसे ही आप इसको समझते चले जाना। अगर आपके पास कहीं भी या इस तरह के क्वेश्चन बना के दे सकता है, एक डाइलेक्ट्रिक दे दे या तीन भी डाइलेक्ट्रिक दे सकता है, ठीक है ना, और डाइलेक्ट्रिक की जगह एक डाइलेक्ट्रिक दे सकता है, दूसरी मेटल दे सकता है, उसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो सभी, या ऐसा कोई डेरिवेशन आ जाए उसको भी कैसे निकालेंगे, वो सारे के सारे बच्चों इस सिंगल एक क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, वो कैसे। चलिए चलते हैं बच्चों। आप सबसे पहले ये देखो कि जो हमें फाइंड क्या करना है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, क्लियर है। मतलब Q और डेल्टा V, Q क्या है, Q चार्ज है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि हमें चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज पता होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन होगा। इसकी चार्ज डेंसिटी बच्चों हमने मान ली प्लस सिग्मा, और इसकी चार्ज डेंसिटी हमने मान ली माइनस सिग्मा, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, और इसका जो बच्चों एरिया है जो प्लेट्स का वो कितना है, ए, इस वाली प्लेट का भी एरिया ए, क्योंकि दोनों सेम एरिया की प्लेट कैपेसिटर में यूज होती है, आपको पता होगा हमने बताया भी, ठीक है जी। तो जब बच्चों इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो C is equal to Q की वैल्यू क्या लिखूं, हमें पता है Q is equal to होता है सिग्मा A, होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां सिग्मा A लिखेंगे अपॉन डेल्टा V, क्लियर है। अब बच्चों इससे पहले हमने जस्ट इससे पहले ही क्या पढ़ा है कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जब तक इसके बीच में ये कुछ नहीं है,
हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो चार डेंसिटी किसकी ले रहे हैं, सिर्फ इन प्लेटों की ले रहे हैं ना, इनके तो यूज नहीं कर रहे हम चार डेंसिटी, बात समझ रहे हो, इनकी तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं चार डेंसिटी, हम चार डेंसिटी बच्चों यूज किसी कर रहे हैं, सिर्फ इस प्लेट की और इस प्लेट की। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बी सी का यूज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है इन दोनों प्लेट के कारण, ई जीरो है, ई नॉट, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपको याद हो, इससे पहली वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था दो प्लेट के बीच में, और वो आता था प्यारा बच्चों हमारे पास में E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है। अगर मैं यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी, यहाँ E तो E नॉट है ना, है ना, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों E नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कुछ नहीं है, दो एक मिनट का क्वेश्चन है, ये समझाने में टाइम लगेगा, जब आप समझ जाओगे तो आपको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने का इसे। हाँ तो हम क्या रखेंगे यहाँ सिग्मा की जगह बच्चों ई नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन डेल बी, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन डेल बी, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल बी, डेल बी क्या है, इट इज द पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, इन प्लेट के बीच में कितनी पोटेंशियल है वो है। अब देखो यहां पोटेंशियल तीन तरह से होंगी, एक तो इस कैपेसिटर के कारण पोटेंशियल होगी, एक इस डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है ना, और इस वाले डाइलेक्ट्रिक के कारण भी पोटेंशियल होगी। और बच्चों हमें पता है पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं नेट पोटेंशियल इसकी निकालूंगा, नेट पोटेंशियल इनसाइड द कैपेसिटर वी नेट, तो वो मैंने जो कैपेसिटर की प्लेट है उसके कारण जो है वो तो मान ली बच्चों वी नोट, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इस वाले डाइलेक्ट्रिक के कारण मान ली मैंने V1, और बच्चों दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक के कारण मैंने मान ली V2, ठीक है ना। अब ध्यान से सोचो, We know that V is equal to क्या होता है ED, V is equal to ED होता है ना। अगर बच्चों में V नोट के लिए ये लिखूं तो V नोट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है, तो ये तो आ जाएगा E नोट। D क्या है, D वो डिस्टेंस जहां जहां ये पोटेंशियल काम कर रही है। देखो एक तो इस वाली डिस्टेंस में काम कर रही है, यहां तो अलग है पोटेंशियल भी, पर इस वाली डिस्टेंस में काम कर रही है, इस वाली डिस्टेंस में काम कर रही है, तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में हमारे पास ये पोटेंशियल है, यहां V1 है यहां V2 है। तो इन डिस्टेंस में फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करूं, अच्छा तो क्या मैं T1 और T2 दोनों जोड़ करके D में से घटा दूंगा तो ये तीनों डिस्टेंस ही नहीं आ जाएंगी क्या मेरे पास में, आ जाएंगी। तो बच्चों यहाँ जो डिस्टेंस यूज करेंगे वो हो जाएगी हमारे पास D माइनस T1 प्लस T2, क्लियर। आगे चलते हैं, V1 की वैल्यू अब फाइंड करेंगे हम, V1 क्या हो जाएगा, देखो V1 भी हमारे पास E इंटू D होगा, ठीक है ना। अब मैंने मान लिया इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों E1, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2, तो यहां क्या आ जाएगा E1, और डिस्टेंस कितनी है इसके लिए T1, ठीक है ना, V equal to ED ही लगाई है यहां पे भी, E1 into T1 आ गया। इसके लिए बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना E2 प्लस, और डिस्टेंस कितनी है इसके लिए T2, तो मेरे पास जो कंप्लीट V नेट आएगा प्यारे बच्चों क्या वो ये नहीं आ जाएगा क्या E नोट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 इनटू T1 प्लस T2 इनटू T2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन याद रखेंगे, इसको मैं यहां लिख लेता हूं C इज इक्वल टू E नोट एप्सिलॉन नोट अपॉन डेल V, इक्वेशन नंबर। या बच्चों ये डेल वी तो है हमारे पास वी नेट, ये जो वी नेट है यही तो डेल वी है, ये डेल वी नहीं है, इसको चाहे डेल वी लिख लो चाहे वी नेट लिख लो,
क्योंकि ये वी नेट क्या है, पूरा का पूरा इसके बीच में कितनी पोटेंशियल है वो है, ठीक है। डेल वी लिखते हैं क्योंकि वहां पर हमने डेल वी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों हम ध्यान दें तो इवन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारे पास सॉरी अगर हम ध्यान दें तो केवन की वैल्यू क्या आएगी, केवन की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों ई नोट अपॉन इवन, और के टू की वैल्यू क्या आएगी, ये आई ई नोट अपॉन के टू, ई नोट अपॉन ई टू, ठीक है ना। ई नोट अपॉन इवन और ई नोट अपॉन ई टू, ये हो जाएगी ना केवन और के टू की वैल्यू हमारे पास। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से देखो इवन और ई टू की वैल्यू निकालेंगे। इवन क्या आ जाएगा, ई नोट अपॉन के वन, और ई टू क्या आ जाएगा, ई नोट अपॉन के टू। अब ये दोनों वैल्यू बच्चों इसमें रखेंगे तो डेल वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ई नोट डी माइनस T1 प्लस T2, और E1 की वैल्यू है E0 प्लस E0 अपॉन K1 इनटू T1 प्लस E0 अपॉन K2 इनटू T2, ठीक है। अगर डेल V निकालें तो E0 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा अपने पास D माइनस T1 प्लस T2 ठीक है ना, और प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K, ठीक है जी। ये हमारे पास डेल वी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब बच्चों ये डेल वी की वैल्यू उठा करके इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वी इन इक्वेशन वन, तब हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों ई नोट एप्सिलॉन नोट अपॉन E नोट, ठीक है ना बच्चों। एक चीज हमने पहले इसमें छोड़ दी, अगर आपने ध्यान दिया हो, क्योंकि हमारे पास क्या था C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल बी था, और Q इज इक्वल टू सिग्मा ए था प्यारे बच्चों, सिग्मा ए अपॉन डेल बी याद है, और सिग्मा की वैल्यू E नोट एप्सिलॉन नोट आई थी, सिग्मा की वैल्यू ई नोट एप्सिलॉन नोट आई थी अपॉन डेल वी, और ये ए भी तो था इसके साथ में, भूल गए ये ए भी था इसके साथ में जब हमने वो निकाला था, तो यहां क्या बच्चों ए भी और भी आएगा, ठीक है ना। देखो देख लो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लो सी की वैल्यू कितनी, क्यू अपॉन डेल वी, ठीक है ना, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा है अपॉन डेल वी, और सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नोट और E नोट और A साथ में अपॉन डेल, ठीक है ना, तो A भी आएगा, ठीक। तो यहां क्या आएगा, एक A और आता है। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो बचेगा इधर वो बच जाएगा D माइनस T1 प्लस T2, ठीक है ना, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन। अब यहां E नोट से ये E नोट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बच्चों जो हमारे पास निकल करके आता है फाइनली C की वैल्यू जो बच्चों हमारे पास निकल करके आएगी वो आ जाएगी A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस T1 प्लस
टी टू प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के। ये फाइनली हमारे पास बच्चों कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। अब वो कितने भी आपको यहाँ तीन डायलेक्ट दे, चार डायलेक्ट दे, सेम यही मेथड यूज करना है, उसको कर देना। एक क्वेश्चन बच्चों ये भी आ सकता है कि वो आपको क्या कह दे कि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक ना होकर के एक डाइलेक्ट्रिक है और एक मेटल है। मान लीजिए ये मेटल है, ये मेटल, ठीक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये मेटल है। अब इसको इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, बस एक चीज आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, और यहां जो कंसेप्ट यूज होगा प्यारे बच्चों वो होगा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का। मैंने इसीलिए आपको खुद करने के लिए बोला था डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है बच्चों। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक ऐसी एक इस तरह का कॉन्स्टेंट होता है जो ये मेजर करता है कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है, ठीक है ना। तो आप एक बात सोचिए, अगर हमारे पास ये मेटल है तो मेटल के अंदर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट निकल सकता है, वहां तो कोई चीज बाउंडेशन है ही नहीं, बात समझ रहे हो। तो बच्चों मेटल के लिए जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर मेटल विल बी इन्फिनिटी। इट मीन्स अगर हमने ये क्या माना है, मेटल माना है, तो K2 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। और K2 की वैल्यू अगर हम यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे प्यारे बच्चों, अगर K2 की वैल्यू हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ध्यान से देखने वाली बात है, इन्फिनिटी रखते ही जो हमारे पास C है वो कितना आ जाएगा, A epsilon naught upon D minus T1 plus T2 plus T1 upon K1। बस यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, ये जीरो। ये किसके लिए है, इफ वन इज मेटल एंड वन इज डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है ना। इफ वन इज मेटल एंड वन इज डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर। तो बच्चों ये इसके कुछ कंसेप्ट थे, ठीक है ना। तो इसके बाद कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है कैपेसिटर का, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो सभी चीज़ें वहाँ क्या फॉर्मूले होंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हम इसके करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो सारे के सारे फंडामेंटल आप इसके उन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।